गणपति बाप्पा बढ़िया। अगले बरस तू जल्दी एक दो तीन चार गणपति बाप्पा अगले बरस तू रोते हुए गणेश जी से अलविदा नहीं कहते इसीलिए हम इसको हंसते हुए देख सकते हैं दोस्तों। गणपति बाप्पा अगले बरस तू देख सके दोस्तों हमें अब ले जा रहे हैं इसको विसर्जित करने के लिए बने रहे हमारे वीडियो पर। हम आज ग्रैंड विसर्जन हो रहा है यहाँ पर काफी जोरदार जयकार लगा रहे हैं जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पर बस यहाँ पर अभी कोई काफी तादाद में भीड़ लग रही है आ रहे हैं यहाँ पर यहाँ छोटी मोटी है गलत बात में यहाँ पर देखिए यहाँ से अब यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ मूर्ति है निकलने के बाद में ही यहाँ पर सुनना जैसे सन्नाटा चालू हो चुका है यहाँ पर बाकी इधर देख रहे हैं ये देख रहे हैं कलश जो है यहाँ पर कलश ये महत्वपूर्ण है कि ना बुझे ना पाए कलश ये कलश देख रहे हैं आप हम चले जाएं क्या एक दो तीन चार जैसे देख रहे हैं दोस्तों यहाँ काफी जयकार भीड़ लगे गणेश जी की जयकार लग रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर डगम बिठा रहे हैं बाकी दो बस जा रहे हैं हम अभी कहाँ जा रहे हैं 557 है हम अंदर जाकर देखते हैं कहाँ पर है और अभी यात्री थोड़ा यहाँ पर बैठे हुए हैं जब तक ड्राइवर नहीं आया देख सकते हैं आप और बाकी अभी आने वाले हैं बस इतने ही हैं ये देख रहे हैं अभी आए नहीं है वहाँ से और ये बैग सैग रखे हैं ये ओ भाई वो खा रहे हैं आसकी खा रहे हैं ओ भाई क्या कर रहे हो अरे भाई गाड़ी नंबर तक ले पे बढ़िया जब जाते हैं फिर उसको देख रहे हैं जैसे देख सकते हैं दूसरा बस वो है हमारा उधर है गाड़ी की नंबर JK02CN6875 और एक बार फिर से रिपीट करते हैं JK02CN6875 है अभी चढ़ के बता रहे हैं आपको यहाँ से और अभी ड्राइवर नहीं आया और देख रहे हैं बैठे हुए लोग हमारे माता लोग बैठे हुए ऊपर गणेश भी सर्जन करने के लिए दो बस जा रहे हैं तो आपने आपको बताया दूसरा बोला उसमें तो बैठो अभी आने वाले हैं काफ़ी दूर नहीं है यहाँ पर भाई थोड़ा सा अरे अभी तक गुलाल लगा चुके हैं यहाँ पर देखिए है क्या भाई एक बार गणेश जय का जय गणेश भगवान की यार कोई गणेश का विसर्जन करने जा रहा है लेकिन यहाँ पर जयकारा का कोई गुंज ही नहीं है यहाँ पर देख सकते हैं आप जयकारा का बस बस चालू होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे और आपको खोल के यहाँ बताते हैं अभी अभी तक इसका ड्राइवर नहीं आया है चालक नहीं आया है बस चालक और यहाँ छोटी छोटी ननी बच्ची हैं आपका हाथ में क्या लगा हुआ छोटू खेलते खेलते गिर गए देख देख के खेलते यार छोटी की कहाँ जा रहे हो गाइस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी मेरा सामान पत्नीटॉप जा रहे हो मतलब गणेश विसर्जन कहाँ करोगे जम्मू में करोगे या कहाँ करोगे गणेश विसर्जन गाइस हमारे पास दो ब्लॉगर एक ब्लॉग है एक हम ब्लॉगर है बोल रहे हैं ऐसे बोल रहे हैं जम्मू के तभी में करेंगे बोल रहे हैं कहीं एंजॉय करो मनोरंजन करो ठीक है ना यहाँ पर जाते हैं उसके बाद ये छोटी आगे चिप्स लेकर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर तब हम दूसरे बस में जाते हैं और वहाँ पर कर रहे हैं बने रहे हमारे वीडियो पर और इसका डगे का नंबर है JK02CR3702 है
ये भी जा रहा है, देख सकते हैं आप इधर। और ऊपर लिखा हरी हरी महादेव के महादेव, ये ड्राइवर है इसका चालक है। कुछ बोलना चाहें गणेश जयकारा ही लगा दे एक बार। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया मोरिया। जैसे दोस्तों देख रहे हैं हमारा बस अभी चालू हो चुका है, यहाँ पर हमारे बैठा है जो जगह उसको यहाँ से आरम्भ हो रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर विसर्जन के लिए जा रहे हैं वहाँ पर। और दोस्तों हम देख आप आ चुके हैं जज्जर कोटली, जो उधमपुर के और कटरा के बीच में है, और नेशनल हाईवे 44 के नीचे थोड़ा आए हैं। और देख सकते हैं आप सुंदर वृक्षों से घिरा हुआ पर्वत है, और इधर देख रहे हैं आप काफ़ी अट्रैक्शन मतलब आकर्षित का जगह है, काफ़ी सुंदर घूमने जगह है काफ़ी। और जम्मू से कुछ यहाँ पर ठंड लगना शुरू हो चुका है, और काफ़ी सुंदर है, छोटे छोटे वृक्षों से घिरा हुआ पर्वत है देख सकते हैं। और हम यहाँ पर गणेश विसर्जन करने के लिए आए हैं, ये बस पहले आ चुका है और एक गाड़ी आना अभी बाकी है, तो आप देख सकते हैं आप यह लगना अभी शुरू हो चुका है। देख रहे हैं हमारा भाई है हमारे साथ, भाई सॉरी हम भाई नहीं बोलते, हमारे से बड़े हैं इसलिए भैया हैं। देख सकते हैं आप ये चीज़ है, और देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये देखिए काफ़ी फोटोग्राफी कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो चीज़ है यहाँ, ये देख लीजिए बच्चे को बोले इसको नीचे कर लें क्योंकि यहाँ पर खतरा है, नीचे खाई है, तो बच्चे थोड़ा इधर आ जाएं क्योंकि यहाँ पर खतरा है, खाई है, देख ही सकते हैं आप। यहाँ पर दोस्त लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, लेकर यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं, बिल्कुल है अपना अपना पोज दे रहे हैं। ये भाई अपना फोटो खींच रहे हैं देख सकते हैं आप, ये भैया वीडियो बना रहे हैं हमारे भैया हैं। ठंड अभी नहीं लग रहा है मगर कुछ टाइम और कुछ महीने बाद ठंड लग सकता है, बच्चे नहीं जाए तो ही अच्छा है क्योंकि यहाँ पर रिते रिते चले जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, बच्चा इसके की यार बच्चे को दे सकते हैं। हाँ हाय बोल दे नोनी। हाय सरदार भाई जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, आप यहाँ के बारे में कुछ बता सकते हैं, यहाँ पर कितना ठंड है अभी? अभी यहाँ कमी है, कमी है मतलब ठंडियों में कितना ठंड होता है यहाँ? यहाँ बहुत ठंडी होती है, बहुत ठंडी होती है, देखो रात को सोने का मजा आता है। अच्छा मतलब हवा चलती, जम्मू के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा ठंड ज़्यादा होता है ना? जम्मू से ज़्यादा ज़्यादा होते हैं। इसके बाद यहाँ से कटरा कितना दूरी होगा आप बता सकते हैं थोड़ा? कटरा होगा यहाँ से कोई 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 8-9 किलोमीटर। अच्छा 8-9 किलोमीटर। अच्छा ये भी वैष्णो देवी का एक पार्क, मैं बहुत सुंदर लाइक देखने लायक जगह, पूरा ये भी फोटो अट्रैक्शन कर रही हैं, काफ़ी इंजॉय पार्ट है। यहाँ आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, मतलब जम्मू के मुकाबले यहाँ पर ठंड कितना है? ठंड नहीं है, जम्मू और यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पर आकर्षित का केंद्र ऐसा लग रहा है कि जम्मू मतलब घूमने के लायक ये पूरा जगह लग रहा है? हाँ है, थोड़ा सा है क्योंकि यहाँ पे वृक्षों वगैरह और पुली वगैरह और नदी का झरना, मैं बच्चों को लेकर आ सकते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल। चलो जानकारी देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे डिसलाइक कर देना। और चलते हैं इसके बाद आगे को चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाले, एंजॉय करना यार दोस्त। ये देखते हैं पूरे के हर गतिविधियों के आप बारे वाले हैं, ये देख सकते हैं भाई। देखिए गणपति बाप्पा अगले बरस
तीन चार बराती की जय जयकार। गणपति बाप्पा बोलियो, अगले बरस तू जल्दी यो। गणपति बाप्पा बोलियो, अगले बरस तू जल्दी यो। एक दो तीन चार बराती की जय जयकार। गणपति बाप्पा बोलियो, अगले बरस तू जल्दी यो। एक दो तीन चार बराती की जय जयकार। गणपति बाप्पा अगले बरस तू। दोस्तों देख सकते हैं आप, काफी भीड़ लग रही है यहाँ पर। गणेश को फूल के द्वारा ले जा रहे हैं यहाँ पर। आप रिदी सिद्धि को पकड़े हुए हैं भाई, यहाँ पर अगरबत्ती पकड़े हुए देख रहे हैं आप। जयकारे लगा रहे हैं गणेश भगवान का, देख सकते हैं आप। देखते हैं हमारे यूट्यूबर ये भी आए हैं, देखते हैं काफी पसीना फूल गया। यहाँ पर बोल रहे हैं कि नीचे गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। एक दो तीन चार गणेश जी की जय जयकार। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। एक दो तीन चार गणेश जी की जय जयकार। गणपति बाबा अगले बरस तू। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर पूल के नीचे ले जा रहे हैं, देख रहे हैं आस्था से ले रहे हैं देखिए, और ये पहाड़ी के रास्ते इसीलिए आस्था ले रहे हैं, देख सकते हैं आप। देख सकते हैं हमारे वीडियो माइक को लगा लेते हैं यहाँ पर, माइक को लगा लेते हैं यहाँ पर। देख सकते हैं आप यहाँ पर आराम आराम से ले आ रहे हैं, वो देखिए। गणपति बाप्पा अगले बरस तो एक दो तीन चार गणपति बाप्पा एक दो तीन चार गणेश जी की जय जयकार। देख सकते हैं यहाँ कलर है, ले जा रहे हैं उसको, ले जा रहे हैं यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप। ये देख हमारे यूट्यूबर ही हमारे साथ में वीडियो आ रहे हैं, हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। एक दो तीन चार जयकार। गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। देख सकते हैं दोस्तों काफी भीड़ लग रही है यहाँ पर। गणेश को विसर्जन करने जा रहे हैं, पुल के नीचे है। यहाँ काफी जयकार लग रहा है गणेश भगवान का। हमारे गला भी बैठ चुका है, देख सकते हैं आप। यहाँ हमारे माता यहाँ कलश को लेकर जा रहे हैं, खड़े रहे यार सीधे। यहाँ पर थोड़ा धूप लग रहा है क्योंकि नीचे गर्म हो चुका है यहाँ पर। गणपति बाप्पा अगले बरस तो एक दो तीन चार गणपति बाप्पा अगले बरस तो जल्दी आ। देख सकते हैं दोस्तों यह कलश है, इसको हम गणपति बाप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ। ये भाई रिद्धि सिद्धि जी को पकड़े हुए हैं, ये भाई अगरबत्ती को पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं आप। तादाद में भीड़ लग रही है यहाँ पर, विसर्जन नीचे ला रहे हैं पुल के, देख रहे हैं आप। बने रहे हमारे वीडियो पर, देख सकते हैं। ये भी यूट्यूबर भाई है, ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपना, देख सकते हैं आप। माइक ले बोया ब्लॉगिंग, देखो देख सकते हैं इनका। और वहाँ पर रुक चुके हैं, उसको देखते हैं आप क्या बोल रहे हैं, थामे ऊपर। गणपति बाप्पा अगले बरस तो, देख सकते हैं इसको विसर्जन के लिए ले जा रहे हैं यहाँ पर। यह सामग्री का जो बचा हुआ है, पूजन का सामान, ये पूजन का सामान है, इसको भी हम रिड़ा देंगे वहाँ पर, बहा देंगे। इसके साथ में इसको नहीं रखते हैं, है जी, ये पूजन का सामान है। जल्दी आ, जय गणपति बाप्पा अगले बरस तो। एक दो तीन चार गणेश जी की जय जयकार। देख सकते हैं को कौन बोलेगा।
बोलो ना आप। रिद्धि सिद्धि का याद नहीं आया तेरे को? सिर्फ गणपति पापा का याद आया तेरे को? है उनको क्या भूल जाएगा? रिद्धि सिद्धि मैंने तो बोला यार, बोलो ना एक बार। रिद्धि सिद्धि की बोलो। जय रिद्धि सिद्धि की। जय गणपति बाप्पा। अगले बरस तू जल्दी। देखो मैं दोस्तों यहाँ पर ले जा रहे हैं अभी पर माता है यहाँ पर ये हुए कलश कुछ बोए हुए देख सकते हैं आप। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे में वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देख सकते हैं आप यहाँ इसको बिठा रहे हैं, देख सकते हैं आप इसको बिठा रहे हैं। नहीं रुका होकर यहाँ पर रखाओ, यहाँ पर समतल है इसलिए यहाँ समतल है। जहाँ पूजा करने ये समतल में, समतल में रखना, समतल बढ़िया है। समतल है का? समतल है बढ़िया, इधर रख दो समतल है। देख सकते हैं भाई अगरबत्ती को पकड़े हैं कि इसके साथ अगरबत्ती जलना आवश्यक है क्योंकि यहाँ पर मुझे है लास्ट पूजा होगा गणेश, तो इसके बाद अगले साल फिर से आएगा। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप यहाँ ड्राइवर भी आया हुआ है, इधर देख रहे हैं ड्राइवर भी आया हुआ है यहाँ पर। तोर बक तोर ला या पूजा बाबा भी हाय बोलो बाबा कोई मैं सोच रहा है वही मैं जय अरुण वही मैं लेक सीधा मैं हाथ को जाना होगा। देख रहे हैं आप पूजा कर रहे हैं, लास्ट पूजा होगा यहां पर गणपति का, फिर इस साल विदा करेंगे। हाय खुशी विदा करेंगे गणेश देवता को, महाराज को गला बैठ चुका है बोल बोल कर। देख रहे हैं अगरबत्ती लेके आवा। देख रहे हैं देख पा रहे हैं आप सभी नहा भी रहे हैं, अभी विसर्जन करेंगे पूजन करेंगे। जो पूजन का होता है ये केले है, इसको भी यहाँ पर विसर्जित कर देंगे, इसके गणेश के साथ ही इस केले के पत्ते को विसर्जित कर देंगे। देख सकते हैं आप, और कपड़ा भी चेंज कर लिया आपने। देख सकते हैं आप काफी अभी भाई ब्लॉग कर रहे हैं, देख रहे हैं जैसे देखें आधा लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, सामने विसर्जन भी करने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इधर आपको बताते हैं अगले हमारे वीडियो में। ओ मेरा कॉम ओ ट्रैक्टर किधर है मेरा? ओ सॉरी प्रोड्यूसर कहाँ है? ओ प्रोड्यूसर हो रहा है वो देख। लास्ट पूजन होगा दोस्तों, पसीना थोड़ा थोड़ा आ रहा है दोस्तों। पूजन होगा भगवान का, अभी लास्ट पूजन होगा अभी इसको, फिर अरुण अरुण नतिया जल्दी। हमारी माता बहने यहाँ पूजा करिए, देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप, हम आगे इसलिए बढ़ने वाले हैं थोड़ा बड़ा, काफी पानी का बहाव काफी तेज है दोस्तों। देख सकते हैं आप काफी तेज बहाव है पानी का, और लेकर चलते हैं यहाँ पर और जाते हैं। देख सकते हैं आप ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई, ये अब काफ़ी टेंशन आ रहे हैं। देखो फिर काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, आगे को चलते हैं थोड़ा आगे को चलते हैं।
ब्लॉगिंग तो बने रहे, हम आगे की ओर चलते हैं लेकर प्रोफेशनल देख सकते हैं यहाँ पर आ रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत जगह है। आगे लास्ट पूजन होगा, उसके बाद हम गणेश देवता को अलविदा कहेंगे यहाँ से, जो गलती होगा उसको माफ़ करेंगे, देख सकते हैं आप। अब चलते हैं जहाँ पूजन हो रहा है लास्ट पूजन, वहाँ पर जाते हैं फिर अलविदा कहेंगे, जाते हैं अगली बार। दोस्तों देख रहे हैं, ये भाई नहा भी रहे हैं अभी, देख सकते हैं ये भाई नहा भी रहे हैं, यहाँ पे एंजॉय काफ़ी कर रहे हैं ये चीज़। और आपको हम बताएंगे, काफ़ी पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है, देख सकते हैं आप, काफ़ी पानी का बहाव है, तेज़ है, बहुत तेज़ है ये। और ऊपर की ओर चलते हैं जहाँ पर पूजन हो रहा है, देखते हैं गणेश देवता को। काफ़ी अच्छा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, भाई भी आ रहे हैं, आप चले जाते हैं भाई। अब लास्ट गणेश देवता को अलविदा कहकर क्या क्या कहना चाहते हैं, जो गलती होगा उसको माफ करेंगे, यही बोलना चाहते हैं। आप कितने दिन तक, कितने दिन रखे थे अपने घर में फिर उसको विसर्जन के खिलाफ? पता नहीं यार, नौ रोज हुआ था। अच्छा, नौ रोज हुआ, ठीक है। देखो यार, अब आते हैं तो घर में रौनक आता है, फिर उसको जाने के बाद विसर्जन के बाद सुना सुना लगता है ना, बस इसीलिए अलविदा कहेंगे, जो गलती भी होगा वो माफ करेगा, ठीक है। चल देखिए दोस्तों, एक केले का पत्ता है गणेश के साथ, इसको भी विसर्जन कर देते हैं। गणेश भगवान की जय, देख सकते हैं आप इसको, हम भी लास्ट फोटो खिंचाएंगे। अब क्या कहना चाहिए लास्ट गणपति महाराज, क्या कहना चाहिए, जो गलती होगा उसको माफ करने? बिल्कुल गलती होगा वो माफ करेंगे। अच्छा, और कितने दिन रखे थे आप गणेश को, मतलब अपने घर में? हम 9 दिन रखे थे। 9 दिन रखे, 10वें दिन हम विसर्जन। अब घर, अब विसर्जन करके जाने के बाद घर में आपको सुना सुना लगेगा? नहीं, बिल्कुल सुना लगेगा, एक परिवार की तरह रहते थे। हाँ, वो भी तो परिवार ही तो है, बिल्कुल बेटा ही मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे एक महादेव और पार्वती का पुत्र है, इसीलिए मतलब उसका बेटा है, हम उसका, हम आपका बेटा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि ये हृदय में बास करते हैं, और हृदय के माँ बाप की तरह हम इसको पूछते हैं। और हमारी श्रद्धा है कि इस नदी पर प्रवाहित करने के लिए हमें मौका मिला हुआ है। अच्छी जानकारी, यहाँ पर गणेश विसर्जन कर रहे हैं दोस्तों। गणपति बाप्पा बोलियो, अगले बरस तो लास्ट में फिर जयकार लगाओ। गणपति बाप्पा बोलियो, अगले बरस तो देख सकते फगुआ से हम नहा लिए हैं और आ रहे हैं, क्योंकि इसको रोते हुए गणेश को अलविदा नहीं कहते, इसीलिए हम इसको हंसते हुए विदा कह रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, गणपति बाप्पा अगले बरस तो जल्दी। देख सकते हैं दोस्तों, हमें अब ले जा रहे हैं इसको विसर्जित करने के लिए, बने रहे हमारे वीडियो पर। हम फगुआ से नहा चुके हैं, जल्दी मोरिया, जल्दी। देखें दोस्तों, यहाँ पर माताएं कलश को अपने सिर में बोई है, देख रहे हैं आप। मोरिया, देख सकते हैं, देख सकते हैं लग रहे हैं, यहाँ पर पुराने चला नहीं जा रहा है, फिर भी चले चले आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। जय जय जय।
देखे काफी भयंकर भीड़ लग चुके हैं यहाँ पर पिताजी। हम भी जाएंगे दे सकते हैं आप इधर दे सकते हैं यहाँ पर इसको देखो काफी भीड़ लगे हैं उत्साह उमंग के साथ विसर्जित कर रहे हैं दोस्तों। अलविदा कहेंगे खुशी खुशी इसको हमारे हम आगे नहीं जा सकते देख सकते हैं हम देखिए दोस्तों विसर्जित कर दिए हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि पेन गीला हो जाएगा देख सकते हैं आप हंसी खुशी विसर्जित कर रहे हैं देख लीजिए ये गणपति बाप्पा देखिए विसर्जित हो गया नारे को फेंक रहे हैं तो देख सकते हैं आप कलश को भी विसर्जित करके पहले कलश देख लेते हैं देव कलश को विसर्जित करेंगे कलश चले गया है दोस्तों। हम एक बार हम भी खुद भी विसर्जित हो जाएंगे इसमें क्योंकि आवश्यक ही है इस पर जब गणेश को वहाँ तो इस पर आना आवश्यक ही है दोस्तों इसीलिए हम खुद ही विसर्जित होने जा रहे हैं चले जाते हैं हमें वीडियो पर बने रहें आप इसी हम पूरे पैनल को भी कर ही आपको वीडियो बनाने को प्रयत्न कर रहे हैं आप देख रहे हैं वहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं लास्ट तक करेंगे देखिए जा रहे हैं दोस्तों देख सकते हैं आप काफी देखिए देख सकते हैं आप ये यहाँ पर गणेश विसर्जित कर रहे हैं या हम भी एक बार होकर जाते हैं देख सकते हैं हमें भी विसर्जित होने का वो था इसीलिए हम भी जा रहे हैं बचाते खुद ही डूब गए थे उसके बाद खुद आए थे पता था आपको मोबाइल के चक्कर में खुद ही डूब जा रहे थे और कपड़ा भी गीला हो चुका है देख सकते हैं आप कपड़ा सपड़ा गीला हो चुका है बिल्कुल पूरा गीला पीला कपड़ा सपड़ा सारा हो चुका है इसको निचोड़ने का सोच रहे हैं दोस्तों इसको निचोड़ेंगे विसर्जन तो हो गया है मोबाइल को बचाते खुद ही डूबने वाले थे लेकिन तैरना था इसलिए बच गया और साथ में मोबाइल को पकड़ने के दोस्त अभी गए थे आप देख सकते हैं यहाँ पर और मोबाइल को बचाते मैं खुद ही डूब गया था यहाँ पर क्या करो पैंट शर्ट सारा गीला हो चुका थकावट महसूस हो रहा है कल कोरोना का टीका लगाया आज मैं नहा दिया था आपको दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर और क्या फोटोग्राफी करेंगे चलो करते हैं थोड़ा फोटोग्राफी चलो आओ थोड़ा फोटोग्राफी कर लेते हैं उसके बाद चलेंगे पति का बोर्ड अगर पति का चलते हैं रोजगार काफ़ी कर रहे हैं देख सकते हैं आप एक बार ब्लॉग लेते हैं उनके भी और चलिए बनते रहें।